हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में yeah. इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस एंड सीजीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975 बताइए भारत के द्वारा जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया 1975 में उसका नेम क्या था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट अलेक्जेंडर कनिंग हम बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन बताइए जैसा कि आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंग हेम जो है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के क्या थे डायरेक्टर जनरल थे तो ये कब बने थे ये आपको बताना है पी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो तो अगर बात करें कि अलेक्जेंडर कनिंग जो है ये डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कब बना था तो राइट आंसर 1861 ठीक है मनुस्मृति इज रिटन इन विच लैंग्वेज मनुस्मृति को किस लैंग्वेज में लिखा गया है सो मनुस्मृति इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ आर्यन टेक्सट वोस बताइए आर्यन टेक्स्ट जो था इसकी लैंग्वेज क्या थी संस्कृत वट डू द फाइव रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक में फाइव रिंग्स होते हैं ठीक है तो वो फाइव रिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं होते हैं ना अटैच होते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई आपको बताना है यूनिटी इन वर्ल्ड्स फाइव कॉन्टिनेंट्स सिम्बोलाइज फाइव ओशन या आर सिम्बोल्स ऑफ यूनिटी सो द फाइव रिंग ऑन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट फाइव कॉन्टिनेंट्स विच इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप बताइए कौन से देश को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप से जाना जाता है बेल्जियम विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर इन द वर्ल्ड बताइए टिम्बर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वाला देश कौन सा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिम्बर इन द वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच बैटल नादिर शाह डिफीटेड द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह बताइए नादिर शाह ने जो है कौन से बैटल में मोहम्मद शाह को हराया बैटल ऑफ करनाल ठीक है ये कब हुआ ये हुआ आपका ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेबर ठीक है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेबर सेवनटीन थर्टी नाइन में ठीक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ एटीन सेवन जब अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह था तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था बताइए हुट द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इन दिटी ऑफ कानपुर कानपुर सिटी से जो है एटीन फिफ्टी सेवन का रिवॉल्ट किसके द्वारा लेड किया गया था नाना साहेब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज एप्सम सॉल्ट बताइए निम्नलिखित में से किसको एप्सम सॉल्ट से भी जाना जाता है कैल्सियम सल्फेट को विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास बताइए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम द ग्लास मैंगनीज डाइऑक्साइड वट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर बताइए डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसमें कौन सा डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट होता है सोडियम काबोनेट वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विद स्टेट ऑफ इंडिया बताइए वांगला फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है मेघालय पार्ट ट्वेंटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ बताइए भाग बीस जो है भारतीय संविधान का इसका संबंध किससे है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ओजोन लेयर इज प्रजेंट इन ओजोन लेयर किस में प्रजेंट होता है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोसफेयर पेंसिलीन वॉज डिस्कवर्ड बाय बताइए पेंसिलीन जो है एक किसके द्वारा डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लैमिंग द रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर ट्वेंटी ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू विच कंट्री बताइए रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो है ट्वेंटी ब्रॉड गैद लोकोमोटिव कौन से देश को दिए बांग्लादेश स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन टैप वन ट्री कैंपेन बताइए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वन टैप वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट बताइए क्लाइमेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है सो द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इज यूरोप देखिए फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप यूरोप राजा पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विद स्टेट ऑफ इंडिया बताइए राजा पर्व फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है Which country won the टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस है फुटबॉल चैंपियनशिप बताइए जीता दो हजार तेईस का एडिशन था ठीक है फोर्टींथ एडिशन था और इसको जीता किसने इंडिया ने जीता द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल बताइए अगर किसी केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से इनको डिस्कस करना होगा कंसल्ट करना होगा तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशनड है आर्टिकल 143 फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बताइए कौन सा आर्टिकल का संबंध जो है यह है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स से आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स रुद्रांश खंडेलवाल एंड निहाल सिंह आर रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट बताइए रुद्रांश खंडेलवाल एंड निहाल सिंह जो है इसका संबंध कौन से खेल से है शूटिंग ठीक है तो वीडियो कहीं पैन करते हैं वीडियो अच्छा लगा हिमाचल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में